आज हम बड़ी बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि उम्मीद है जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फिटनेस के लिए, आपके पेन के लिए, आपकी बहुत सारी चीजों के लिए आप इसके बारे में सुनेंगे। तो उम्मीद है कि आप हमें सुन रहे हैं 94.7 पे और देखेंगे भी, और फेसबुक पे और यूट्यूब में और काफी जगहों पे आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चले अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग इंजॉय करेंगे। जी थैंक यू सो मच सलमा जी। और नाउ वी आर लाइव ऑन जो है रेडियो, अपना जो रेडियो सुर संगम के फेसबुक पेज पर भी लोगों में देख सकते हैं। तो आज हमारे पास दो गेस्ट होंगे, एक तो हमारे पास मौजूद है स्टूडियो में और देन जो सेकंड वन विल जॉइन अस लाइव फ्रॉम एडमिटन एंड अबाउट 8:50। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो है डॉक्टर यास्मीन मजीद एंड डॉक्टर सारा मखदूम फ्रॉम कैनेडियन ग्लोबल केयर सोसाइटी की तरफ से हैं, बिकॉज दे आर गोना हैव देयर ओन जो है वर्चुअल रन ऑन इंशाल्लाह जुलाई 9th and 18th। सो डॉक्टर यास्मीन एंड डॉक्टर सारा जो है वेलकम टू अवर स्टूडियो। Thank you very much, Salma and Jalal, for letting us, for giving us this opportunity to showcase our event, jo July 9th se July 18th tak hoga. So first of all, I just want to tell you a little bit about Canadian Global Care Society. Hamari jo society hai, wo hum 2009 mein register hui, aur iska goal ye tha to bring people together to help ह्यूमैनिटी। तो हमारी नॉन रिलीजियस नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम सब मिलके काम करें और जो दूसरे डिफरेंसेस हैं उनको पीछे रखें। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उसके लिए हमने बहुत काम किया है, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। लेकिन मेन हमारा जो आज पर्पज है सबको बताना, वो हमारी पेन रन है जो हमने शुरू की है 4 साल पहले जी। तो 2018 में हमारा फर्स्ट लाइव इवेंट हुआ था। उसके बाद 2019 में ओक्लेयर में बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था जी, और फिर हमने लास्ट ईयर वर्चुअल किया और इस दफा भी हम वर्चुअल कर रहे हैं। तो आपको आपको डिफरेंस लगा कि आपने जो सब वहां पे किया था जब लोग सब मौजूद थे और जो आपने वर्चुअल किया, आपको उसमें क्या डिफरेंस लगा? हमें, हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि लास्ट ईयर इवन दो हमारा वर्चुअल था लेकिन हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और डॉक्टर सारा मेरे साथ हैं यहाँ पे, सारा डॉक्टर सारा मखदूम वो प्रेसिडेंट हैं कैनेडियन ग्लोबल केयर की। तो उन्होंने भी काफी चीजें मैनेज की, सबके स्टेप्स काउंट किए एंड वी गेव लॉट ऑफ प्राइजेस टू राइट लोगों को हमने। तो लोग बहुत इन्वॉल्व हुए थे। गुड, दिस इज सच अ गुड इनिशिएटिव जो आप लोगों ने किया है। एंड यू नो लाइक इट हैज गॉट अ डबल रोल। एक तो ये कि ये लोगों को फिटनेस के लिए अच्छा है, आप इतने सारे स्टेप्स करेंगे और जब आप रजिस्टर कर लेते हैं ना एक दफा अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट हो जाते हैं और आप रजिस्ट्रेशन के जो जमा होंगे प्रोसीड्स वो बहुत अच्छे कॉज के लिए जाएंगे और एट द सेम टाइम आप लोग स्टेप्स करेंगे। एब्सोल्युटली। तो दोनों चीजें हैं जो है ना बहुत बहुत ज्यादा अच्छी जो आपने की है एक दोनों को मिला के। तो डॉक्टर सारा आप बताइए इस वॉक के बारे में कि लोग किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं, इसकी क्या फी है, कहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह तरीके से लोग अपने स्टेप्स को काउंट करके आपको बताएंगे ताकि उनका रिकॉर्ड रहे। थैंक यू सलमा आपके और जलाल भाई आप लोग इस साल फिर हमें आपने दावत दी। तो ये बड़ा मजेदार इवेंट होगा जी। इस आप देख रही हैं कि इसमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर हमारा गोल था 1 मिलियन लेकिन हमने 2 मिलियन स्टेप्स अचीव किए और ये सब लोगों की शामिल होने की वजह से जी। बिल्कुल। और इस साल हमारा काफी बड़ा गोल है 5 मिलियन स्टेप्स का। ओ, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह जितने लोग इसमें शामिल होंगे तो इंशाल्लाह जरूर हम लोग इसमें कामयाब होंगे। जरूर कामयाब होंगे। तो लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि टिकट्स जल्दी बिक रहे हैं, आप फौरन अपना टिकट एडवांस में ले लें जी। और उसकी फीस है $25 पर पर्सन, और वो आप ले लें और उसके बाद अपने स्टेप्स जो आपने अपनी फैमिली के साथ निकल के एक्सरसाइज करनी है जुलाई 9 से लेके 18 तक जी। और वो रोजाना के स्टेप्स आप हमें ईमेल पे भेज दें या फेसबुक पे स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, कोई भी आसान तरीका आपका जो पेडोमीटर आ या आपके फोन पे होगा उसके थ्रू आप हमें भिजवा दें, तो वी विल काउंट। क्योंकि प्राइस बहुत अच्छा है और हमारा ख्याल है कि जो लोग सबसे ज्यादा स्टेप लेंगे जी वो बहुत इंजॉय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे कई प्राइजेज हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी।
एक तो हमारा प्राइस है एक सबसे यंगेस्ट बच्चों के लिए, अच्छा, जो 12 से कम होंगे, अच्छा, कि वो कितने ज्यादा स्टेप लें, अच्छा, फिर एक एडल्ट्स का होगा जो 65 एंड अंडर, और फिर एक होगा जो 65 से ऊपर के लोग होंगे जी। उसके अलावा हम फैमिलीज को भी एक गिफ्ट दे रहे हैं okay. कि जो फैमिली सबसे ज्यादा चलेगी उनको और ज्यादा अच्छा गिफ्ट मिलेगा। क्या बात तो, है? तो मैं तो पिछले साल से चल ही रहा हूँ, तो कैन आई ऐड ऑन दिस? आप शामिल हो जाएं, हो सकता है कि आप ही जीत जाएं। देयर वी गो। तो ये कि ये कम्युनिटी इवेंट है और ये बहुत हेल्थ रिलेटेड है, और इसमें जितने आप स्टेप लेंगे, एक तो आपकी अपनी तबीयत भी अच्छी होगी और डिप्रेशन का भी ये बिल्कुल इलाज होता है, और दूसरा ये है कि बड़ा अच्छा वजह है इसकी कि क्रॉनिक पेन पेशेंट्स जो हैं, और वो जो क्रॉनिक पेन पेशेंट्स हैं उनको हम गिफ्ट कार्ड देंगे, ग्रोसरी कार्ड देंगे, तो उनको भी जिंदगी में थोड़ी आसानी पैदा होगी। एंड यू नो जब लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनको पेन वगैरह फिर भूल जाता है जी, जी, जी। तो इसके कई स्पिरिचुअल लेवल भी, फिजिकल लेवल पे भी बहुत सारे फायदे हैं। तो यू नो डॉक्टर सर, लाइक यू आर जो है प्रेसिडेंट, राइट, तो आप कितना, एक साल हो गया आई थिंक लास्ट टाइम व्हेन वी केम, तकरीबन एक साल हो गया। तो आपको एक साल, आई थिंक इट वाज ऑल पेंडेमिक, तो आपको कैसा हुआ कि आप यू नो एज एन ऑर्गेनाइजेशन कितनी ग्रो हुई है? जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूथ लेवल पे तो बहुत ज्यादा ग्रो हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शंस किए हैं, उन्होंने अभी अपने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुने हैं, और उनके मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनकी यू नो सोशल मीडिया मैनेजर है, तो ये सब यंग लोग हैं जो कि आगे चलाएंगे। जाहिर है हमने तो थोड़े दिनों बाद रिटायर ही होना होता है, तो मेरा ख्याल है नई क्यादत आएगी तो दे विल रियली एंजॉय। लेकिन पेंडेमिक का ये है कि जाहिर है लोग कम मिल सकते थे फेस टू फेस, लेकिन उसके बावजूद बैकग्राउंड में काफी काम होता रहा। हमने फूड बैंक के लिए पैसे इकट्ठे किए, म्यूजिक नाइट की, वो तो आपको मालूम था, आप भी शामिल थे उसमें। इस तरह हमने काफी सारे काम किए, तो ये हमारा बिगेस्ट इवेंट होता है साल का ना, जिसमें कि हम पेन रन करते हैं। तो अब जुलाई आ गया, रिलैक्सेशन भी हो गई है पब्लिक हेल्थ की तरफ से, तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ इवेंट में तेजी आएगी इसकी वजह से। थोड़ा सा लोग, थोड़े से लोग मोटिवेटेड भी हो गए ना, हाँ, कि भाई रिस्ट्रिक्शंस कम होने वाली हैं और समर का मौसम है, तो और आपने बहुत अच्छा ये जुलाई चूज किया क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, और यू नो लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल, सो दैट्स वेरी वेरी कमेंडेबल। और मैंने आज ही देखा टीवी पे कि स्टैम्पीड की भी यही डेट्स हैं, जुलाई 9 to 18, तो हम लोग उनका बकायदा टकराव हो रहा है। लेकिन अच्छा है कि लोग जो भी जाएंगे, लोग स्टैम्पीड वो जाएं और खूब सारे स्टैप्स करें वहाँ पर, हाँ, उधर ही कर लें, डबल हो जाएगा उनके लिए, इंजॉयमेंट भी हो जाएगी और उनके लिए ये काम भी हो जाएगा। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड कॉज। बिल्कुल। एक मैं आपके व्यूअर्स को और सुनने वालों को बता दूं कि हमारा इवेंट ब्राइट पे इसकी चल रही है रजिस्ट्रेशन, इवेंट ब्राइट पे जी, और उसका लिंक आपको फेसबुक इवेंट पेज पे भी मिल जाएगा, और जो canadianglobalcare.com हमारी वेबसाइट है उस पे भी मिल जाएगा। जी, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा। हम लोग भी वो कर देंगे अपने उस पे, ताकि और लोग भी, हम जो हमारे फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं वो लोग भी देख सकें। तो आई थिंक आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे, और जैसे कि आपने बताया कि पैंडेमिक डिडंट डू एनी हार्नेस, ये कि भाई कुछ भी, कि हाँ अच्छा हुआ कि आप लोगों ने हिम्मत की कि फिर से आप लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल वर्चुअली नहीं होगा, इंशाल्लाह अगले साल हम लोग सब मिलके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो यू नो ये हमारे व्यूअर्स के लिए और जो सुन रहे हैं अभी, तो ये जो होता है अपने ये जो मेडिकल टर्म क्रॉनिक पेन, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें, क्या बता दें। गुड डॉक्टर यास्मीन मजीद, ऑफ कोर्स, गुड क्वेश्चन जलाल। सो क्रॉनिक पेन वो होता है कि जैसे हमें नॉर्मली कोई चोट लगती है या कोई भी, तो पेन होता है सबको, लेकिन वो ठीक हो जाता है, राइट? लेकिन क्रॉनिक पेन वो है जो 3 to 6 months तक भी ठीक नहीं होता। अच्छा। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, वैरायटी है, जैसे आर्थराइटिस है, या डायबिटीज जिन लोगों को होता है उनको नर्व पेन हो जाता है, या इसके अलावा कोई भी इंजरी या एक्सीडेंट है जो कि बहुत डैमेज हुआ है उनका स्पाइनल कॉर्ड, या कोई भी ऐसी चीज हुई है जो नहीं ठीक हो रहा, बैक पेन जो एक कॉमन है, मोस्ट कॉमन। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज एक और मुझे आपको बतानी है कि कैंसर के लिए हम लोग बहुत पैशनेट होते हैं और हम वॉक करते हैं और बहुत सारी उसके लिए फंड रेजिंग होती है, लेकिन अब कैंसर का क्योंकि इतना अच्छा ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, लेकिन जो लोग सर्वाइवर्स होते हैं उनको फिर क्रॉनिक पेन भी होता है, तो वी हैव टू थिंक ऑफ दैट एज वेल, कि कैंसर भी
क्रॉनिक पेन का एक वो बन जाता है, तो उसमें मतलब इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स. अब क्रॉनिक पेन जो है वो ज्यादातर लो इकोनॉमिक जो लोग होते हैं उनको होता है, तो जो हम ये कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, विद कूपन्स और ग्रोसरी कूपन हम उनको देते हैं, तो उससे यह है कि उनका जब स्ट्रेस कम होता है तो पेन भी कम होता है. बिल्कुल, स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेस हो उससे पेन बढ़ता है, तो इट्स वन वे ऑफ हेल्पिंग आउट. दिस इज सो कमेंडेबल. यू नो लाइक आई होप आपकी अब तक काफी रजिस्ट्रेशन आ चुकी है. जी, काफी हो चुकी है. साल के तो बराबर आ गए, लेकिन अब उससे आगे जाना है. हाँ, माइक ले लीजिए प्लीज. या इंशाल्लाह आप जरूर जाएंगे, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं. आपकी ऑर्गेनाइजेशन इज एवरी, सो मेनी पीपल नो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, कि दिस ऑर्गेनाइजेशन डज सो मेनी things and so many places you people help. So I think is saal bhi aap log kafi sare log aapko join karenge aur hamari duaen ke zarur karein. Bilkul, bilkul. Yeah. So you know aap dono doctors hain mashallah, to abhi jaisa hamara jo hai province now it's opening from July 1st, so what do you think, we are too soon, too quick? I don't know if you like, you know, if you can't answer, that's fine. This is understandable. लेकिन आपको क्या लगता है, you know, like वो तो खोल ही रहा है, but as a precaution हमें क्या करना चाहिए, because we have to take care of ourselves first. जी, इसमें जरूरी बात यह है कि एक तो सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं, तो फिर that's the best thing. बेस्ट अप्रोच यही है. फियर आपका कम हो जाएगा जब आपको दो हफ्ते के बाद, जब आपकी दोनों डोजेज आपको लग गई हैं, ठीक है, चांस इन्फेक्शन का कम हो जाएगा और हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू का भी कम हो जाएगा. उसी से ज्यादा डर लगता है. दूसरा यह है कि अभी भी अगर आप किसी ऐसी बिजी जगह पे जाएं जहां आप लोगों को नहीं जानते, राइट, तो वहां जरूर आप मास्क पहने. अपनी तरफ से आप अपनी प्रिकॉशंस जारी रखें. लेकिन यह कि अब आपने लगवाई हुई है, मैंने लगवाई हुई है, हमें तो पता है कि हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन जो अननोन जगह होती है वहां पे इंसान को नहीं पता होता कि कौन आ रहा है, और सब लोग तो बिलीव भी नहीं करते वैक्सीनेशन. बिल्कुल बिल्कुल. तो वी आर ट्राइंग टू चेंज देयर माइंड्स एवरी डे. Negotiate, we talk to them, you know, we answer their questions. तो कोशिश तो हमारी यही है कि सबसे ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा लें. I think that's the best. That's the best thing, you know, like if you are being taking precaution, तो आप दूसरों को भी बचा रहे हैं और खुद को भी बचा रहे हैं. That's the most important thing, that आप अपना ख्याल रखें, फिर इसी तरह आप दूसरों का भी ख्याल रखेंगे. तो आई थिंक यू आर सो राइट डॉक्टर सारा, आपने बहुत अच्छी बात की कि वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, और फिर उसके बाद आप अननोन लोगों के से मिलें तो मास्क की जरूरत है, और सैनिटाइजेशन की, वॉशिंग ऑफ हैंड्स एंड ऑल दीज थिंग्स विल सेव यू एंड सेव अदर्स. जी बिल्कुल. नहीं तो आपका ये जो पेन का वॉक होने जा रहा है, तो इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगी? जी. मैं बस ये बात ऐड करना चाह रही हूँ कि इस दफा जो यूनिक चीज हम कर रहे हैं वो हमने स्पेन रन या वॉक को इंटरनेशनल कर दिया है. वाओ, नाइस. तो इंटरनेशनल से मतलब ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा के डिफरेंट प्रोविंसेस, जैसे टोरंटो है, बीसी है, और इवन मेरी कुछ लोग हैं पोर्चुगल में जो मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी उसके लिए रजिस्टर किया है. तो आई थिंक भी, क्योंकि पेन इज यूनिवर्सल, सिर्फ कनाडा में तो नहीं है, तो हमें सब के लिए मिलके सोचना है, और इसलिए हमने सोचा कि हर एक को इसमें शामिल करें. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने, क्योंकि इंटरनेशनल होने से आपको और ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, और ज्यादा वॉक होगी, और यहाँ के लोग हैं, यू नो, दे आर डूइंग द रजिस्ट्रेशन. इट्स द रजिस्ट्रेशन इज ओपन टू कैनेडियंस एंड टू अमेरिकन्स, राइट? बाकी सब लोगों के लिए ये ऑल ओवर बाकी इसके लिए हमने फ्री रखा हुआ है, जो पाकिस्तान, इंडिया में उन सब के लिए फ्री रखा. अच्छा, ओह दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट. तो वहाँ पे भी बच्चे जो हैं शामिल हो गए, उन्हें भी लगेगा कि हम वर्ल्ड के सिटीजन हैं, और हम भी अच्छी बात. तो मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सो इट मींस आई कैन यूज पाकिस्तान. आपकी फैमिली होगी पाकिस्तान. जी जी बिल्कुल. उनको शामिल करें, बल्कि वहाँ पे टी शर्ट जो हमारी रेड वाली है वो छप रही है पाकिस्तान. अच्छा, में अच्छा, छप रही है. जी. तो वहाँ से भी इंशाल्लाह तस्वीरें आएंगी. तो यू नो ये जो है ग्लोब, ये जो कैनेडियन ग्लोबल केयर, आई थिंक इट्स बीन व्हाट, अबाउट 5 years नाउ. और लाइक डॉक्टर यास्मीन, कितना टाइम हो गया? 11 माशाल्लाह. एक्चुअली 2009 में रजिस्टर हुए, उसके बाद वी हैवंट लुक्ड बैक. एंड आई हैव टू से
आई हैव टू रियली थैंक आवर टीम, जो हमारी टीम में रहे हैं लोग, जैसे महमूद हसनानी साहब हैं, अजीज कराची वाला, मुस्तनसर राज और मजहर मलिक. अब हमारे एक नए ट्रस्टी भी शामिल हुए हैं, मिस्टर मलिक हेमानी, उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया. मलिक का अच्छा, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, गुड फॉर हिम. ही इज आवर ट्रस्टी नाउ. या गुड फॉर हिम. एंड उसके अलावा हमारे डायरेक्टर्स हैं शाजिया सुहेल, शकील अहमद जो कैनेडियन टाइम्स के साथ हैं, सबिया मलिक और मैगली रॉबर्ट जो मेरे साथ क्रॉनिक पेन सेंटर में काम करते हैं. सबिया का हाँ मैंने, और अजहर सैयद जो हमारे एक और नए, या कभी कभी नाम भूल जाते हैं, बट अब आई जस्ट फील नहीं, हम लोग इतना एक अच्छा हमारा ग्रुप है कि हम लोग मतलब वी आर ऑल लाइक माइंडेड. हाँ, शेमा हमारी यूथ डायरेक्टर है. अच्छा, शेमा मतलब सो वी हैव अ रियली ग्रुप. प्लस जैसे डॉक्टर सारा ने बताया कि हमारा यूथ ग्रुप जो कैलगरी का बहुत स्ट्रांग है, उसमें मैरी और फिजा राजपूत वो प्रेजिडेंट्स हैं. जी, ग्रेट. सो आई थिंक वी हैव डन वेल. या नो नो यू पी आई हैव been following you and I've been a part of it. Yes. Wherever I can help, I try to help. But it's tremendous job you have done, and it's growing, as you say. Every time you hear something new, you people are trying to do. And I think that's how it should be, that you are not dwindling and ye nahi ke bhai ye nahi ho sak raha aur wo nahi ho sak raha, but you are trying your best. Even in pandemic, you are continuing this. And that is remarkable, and I think that is a great thing. So Eventbrite pe register ho sakte hain. हाँ जी, Eventbrite पे है और Facebook event page है. Facebook. और उसके अलावा वो हमारी वेबसाइट पे जाए तो वहाँ फिर से अपनी वेबसाइट का नाम दीजिए, CanadianGlobalCare.com. हाँ जी, वो आसानी से मिल जाएगा, आसानी से. उसके अलावा हम लोग पूरे शहर में पोस्टर्स वगैरह भी लगा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो जरूर नजर आएंगे. अच्छा, तो ये आपका इवेंट है, किस नाम से है, सो आई कैन फाइंड द लिंक राइट नाउ. अच्छा, यही है सीजीसी पेन रन. ओके, सीजीसी पेन रन. ओके, ठीक है, ठीक है. मैं ये कहना चाहती हूँ सारे लोग जो सुन रहे हैं कि आप लोग खुद भी रजिस्टर करें इंटरनेशनली, आपकी कहीं भी फैमिली है, उनको एंड हैव फन टुगेदर, और उनके साथ आप अपना कंपटीशन करें. या बिल्कुल, स्टेप्स का. तो लेट्स डू, हम 5 million बोल रहे हैं, तो जस्ट टेक इट अप एज अ चैलेंज, और मे बी विल डू मोर. एंड अप डूइंग डबल बाय बाइंग इन्वॉल्व. इट्स ग्लोबली ओपन, सो देन 5 से आप लोग 10 million कर सकते हैं एज अ फैमिली. आप सब जगह सब लोग इन्वॉल्व कर. बिल्कुल, नो नो, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गुड थिंग. Yeah, and then you people will announce how much raised and how many my steps we did. Yes, it you will do everything. Yeah. उसका वो एक फाइनल इवेंट होगा 18th की शाम को. ओके, तो उसमें भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा. जरूर जरूर. फिर हम अनाउंस करेंगे विनर्स वगैरह भी और उसके अलावा कितने टोटल स्टेप्स हुए. ओह नाइस. एंड वील हैव अ क्रॉनिक पेन पेशेंट. या एंड अ फिजिशियन फ्रॉम द कैलगरी पेन क्लिनिक. वाओ, तो वो भी अपने प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी देंगे फिर. बिल्कुल, ग्रेट. ये तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा, तो ये जो है लिंक मुझे मिल गए हैं, सो विच इज इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ. तो हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं, सो ऑफ कोर्स दे कैन गो ऑन अवर फेसबुक पेज, वहाँ पे लिंक लगा दिया मैंने. अच्छा, तो आपके गिफ्ट क्या क्या है, कौन क्या जीत सकता है? ये तो सीक्रेट. अच्छा, सीक्रेट है. आपको आपके जलाल को बहुत क्रूज पे जाना है, तो एक क्रूज डाल दीजिए इसके अंदर, बहुत ज्यादा जाना क्रूज है तो आप इसे दे देना. चलो कोई बात नहीं, हम शो पे गए थे आज, तुम ये ले लो आज. नहीं नहीं, इट्स फन, इट्स गोइंग टू बी रियली नाइस. और मैं तो रोज, मेरी आदत है, आई डू अराउंड 12,000-13,000 स्टेप्स एवरी डे. सो आई डू एवरी डे. सो मैं तो अब क्या करूंगी, थोड़े से और एड कर दूंगी ताकि इट्स गुड फॉर मी. बिल्कुल. इमेजिन यू थिंक अबाउट दैट वे, दैट हु इट इज बेनिफिटिंग द मोस्ट, इट्स यू प्लस अदर्स हु आर हैविंग क्रॉनिक पेन. सो यू आर डूइंग two good things, exactly. Right? So this is the most important thing you are doing for yourself and you are doing for others. And I think hamare jo sunne wale hain, please do join it, because imagine aap roz 12,000-13,000 steps kare, aap khud 9 se lekar 18 tak kitne zyada step kar sakte hain and add kar sakte hain. It's amazing, it's going to be. Ji, main ek cheez ye kehna chah rahi thi ki agar jo bhi aise patients hain jo
केन लेके चलते हैं जी, या अगर व्हील चेयर पे चलते हैं जी, तो वो भी अपना अगर पिक्चर भेजें व्हील चेयर, तो उनके लिए भी एक स्पेशल हम रखेंगे प्राइस। इट डजंट मैटर कि उन्होंने कितने स्टेप्स किए हैं, बट इफ दे हैव मेड एन अटेम्प्ट दैट मैटर्स, वी वांट टू एनकरेज दैट मैटर्स। गुड गुड, सो दे कैन गो ऑन अ फेसबुक लिंक जो आपका इवेंट पेज है, एंड दे कैन जस्ट रजिस्टर एनी टाइम। एनी डेडलाइन कुछ है कि नहीं? नहीं, डेडलाइन सिर्फ उसी दिन की है, मेरा आखिरी होगा 18th को। 18th को होगा, हाँ जी, उससे पहले कर लें। ठीक है, तो जितना पहले करेंगे उतने आपके स्टेप्स काउंट होंगे, आपके चांस ज्यादा होंगे विन करने के। यू हैव टू डू इट नाउ, ट्राई करें। मैं सुनने वालों को और देखने वालों को, मौसम भी अच्छा है आज जी, अब यू कैन स्टार्ट। बट व्हाट द स्टेप्स विल बी, ये मेरा आई थिंक एवरीबडी शुड नो, द स्टेप्स विल बी स्टार्टिंग टू काउंट फ्रॉम द 9th से शुरू हो जाएंगे। ओके, क्योंकि लोग अभी से करना शुरू कर दिया, फिर कहे भाई हमने तो इतने स्टेप्स कर लिए। हाँ, जुलाई 9 सुबह 8 बजे, और फिर आप रात को अपनी रिपोर्ट दे दें। 18th की जो 12 बजे नून होगा, वहाँ पे फिनिश होगा, और हमारा गूगल डॉक्यूमेंट लाइव होगा, उसमें सबके स्टेप काउंट हो रहे हैं। अच्छा, दैट्स सो गुड। चलो, वेरी गुड। फिर आप पिक्चर्स हम अपने इसकी फोन की, हाँ बिल्कुल, तो यो आपको भेज अपलोड करें, आप बल्कि इवेंट पेज के ऊपर डालते रहे, चाहे 100 लोग इकट्ठे डाल रहे होंगे, आई विल काउंट देम। यू विल काउंट देम, गुड, दैट्स ग्रेट। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी हम लोगों को, और हमारे सारे जो अभी सुन रहे हैं इस वक्त 94.7 FM पे, उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। एंड दिस विल कीप ऑन कमिंग ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब, एंड सो it will keep on repeating, so others who are missing it today, they can see and listen to it. Perfect. Yeah, anytime. Thank you, Salma. Thank you. Oh, you're welcome. Yeah, anytime, and I think it will open up. सुहेल भाई की वाइफ का नाम क्या है? मैं भूल गया, शाजिया बाजी। सो अच्छा, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया ने, as long as अच्छा हो गया, एटलीस्ट हमारे भी। थैंक यू सलमान, एनी टाइम, यू आर मोर देन वेलकम, एंड आई एम सो ग्लैड यू केम ऑल द वे टू द स्टूडियो। आई थिंक इट कैरीज मोर वेट व्हेन पीपल सी the members and the president, and then I think it makes a little difference when it visually people connect more. Sorry. And I think it will be nice if they see you on Facebook and other links. And thank you for coming all the way, and I know this studio is little out of the way, but it takes only, dekha jaye to takes only 20 minutes, and that's not too bad. No, not at all. Like, no, for not our passion, we would go anywhere if you like, so don't worry. Yeah. Thank you so much, Yasmin and Sarah. With your setup, it's quite amazing, actually. Thank you. Ye sab hamare Ranjit Paji ka sara jadu hai. So, I think this is the new technology, or like, you know, this is, you know, what we learned through the pandemic. Yeah. Kaisa bhi ho sakta hai. Aise kar sakte hain. We are live on a radio as well as we are live on Facebook. So, sara technical sara work hai. So, I think this is good. This is the future, basically. You know, aap jante hain. Everything is going to be online very soon. So. Yeah, definitely. Yeah. Iski kuch achhi baatein bhi lagi. Yes. Yeah. Oh, thank you very much. Thank you. No, thank you. Always keeping us in mind. No, always. And then all the best to you. This is for a good cause, you know. Yeah. Thank you so much, you know. So we'll continue our show, if please.